नमस्कार साथियों, आज 17 तारीख है और लोकसभा चुनावों के अंतिम और सातवें चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। राजस्थान में चुनाव 6 तारीख को संपन्न हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि 19 तारीख को मतदान होगा और देश की मतगणना होगी, पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार की राजनीति का परिचय सत्ताधारी दल ने दिया है, उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी लेकिन समूचे देश में एक निराशा का वातावरण बना है। भोपाल से जो भाजपा के प्रत्याशी है प्रज्ञा ठाकुर, जो स्टेटमेंट कर उन्होंने आया है और देश के राष्ट्रपिता उनकी हत्या के 70 साल बाद भी आज अगर कोई भाजपा का नेता या भाजपा की पार्लियामेंट की सीट उम्मीदवार उनको पेट्रियोटिक बोलती है, देशभक्त बोलती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रकाशता है, चौंकाने वाला स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे ज्यादा आश्चर्य तो किस बात का हुआ, प्रज्ञा ठाकुर जी के स्टेटमेंट के बाद जहाँ उन्होंने भोसले की बड़ाई करी, जिस व्यक्ति ने इस देश के राष्ट्रपिता की निर्मम हत्या करी है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बताने का जो दुशास कर सकते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी भाजपा के नेता ने, बड़े नेता ने ना तो टोका ना रोका, ना बयान का खंडन किया, ना उनको पार्टी से बर्खास्त करने की बात करी। सिर्फ पार्टी उनके बयान से अलग हो जाए ये ना काफी है। 6 चरणों का जो तक फीडबैक आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी हर चरण में पिछड़ रही है, क्योंकि जो बयान प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के, भाजपा के नेताओं के लगातार आ रहे हैं, उससे अंदाजा लग सकता है कि बौखलाहट उनके जहन में अच्छी तरह जगह बना चुकी है। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता में था और वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है वो भी इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अधिक संख्या में पिछली बार जीत कर गई थी, मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि, इन सभी स्टेट्स में भारी नुकसान उनको होता है। उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान भाजपा को अपनी संख्या में होगा, इसलिए अपनी जगह तलाश नहीं कर रहे, एक डेस्परेट अटेम्प्ट उन्होंने किया है बंगाल में। अमित शाह जी के रोड शो में जो हिंसा हुई उसके प्रमाण सबके पास है। आज के इस युग में किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी मोबाइल में ना हो संभव नहीं है, और कॉलेज कैंपस में विद्यासागर जी की मूर्ति को जिन लोगों ने तोड़ा है उसकी भी जांच हो सकती है, लेकिन जो तथ्य धरातल पर कलकत्ता में हमारे सामने आए हैं उसमें स्पष्ट था कि उसने भारतीय जनता पार्टी में बंगाल और कलकत्ता के बाहर से लोगों को लेकर आए थे ताकि रोड शो में संख्या देख सके, और वहां पर जो अंजाम दिया गया वो निंदनीय है, अशोभनीय है। लेकिन एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, वहां पर जो घटना उसके बाद जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का, एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कहीं पर कोई भी हिंसा करे, खासकर चुनाव के दौरान, तो उस घटना की पूरी तरह निंदा होनी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, बजाय इसके बिना तथ्यों के बाहर आने से पहले उन्होंने जो तुलना करी है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उन नेताओं की, कश्मीर में जो पत्थरबाज है जो तुलना करी है, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं उनसे तुलना करी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पद पर आसीन जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो उन लोगों को जो भारत की फौज और सेनाओं पर पत्थर फेंकते हैं, जो अलगाववाद की बातें करते हैं, उनको एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से कंपेयर कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, लेकिन राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है,
कि इस प्रकार की द्वेष की भावना, अपशब्दों का प्रयोग करना और खुले मन से बोलना कि 40 टीएमसी के विधायक उनके व्यक्तिगत संपर्क में हैं, ये चुनाव प्रणाली का जो निर्वाचन आयोग के आदेश है या जो संविधान कानून है उससे बिल्कुल परे है। निर्वाचन आयोग के ऊपर इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, अभी तक मैंने कम से कम खुद कभी भी निर्वाचन आयोग पर सीधे तौर पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि संवैधानिक पद है। हम सब उम्मीद करते थे कि वो एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेगी, लेकिन ये भी उस समय के बाद मैं कलकत्ता में सभा कर रहा था, मुझे सूचना मिली कि निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंगाल में समाप्त करने की बात कही। अगर हिंसा की उनको आशंका थी तो तत्काल चुनाव प्रचार सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कल के दिन प्रधानमंत्री जी की तो सभा बंगाल में थी, इसलिए अगला दिन छोड़ के अगले दिन से बैन लागू किया है। पहली बार किया आर्टिकल 324 ऑफ इलेक्शन कमीशन के अंदर पहली बार इन्वोक किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की सूटेबिलिटी देखकर उसको लागू किया गया। वाजिब सी बात है कि लोगों के जहन में सवाल उठा, और अगर टकराव हुआ भी था तो टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में एक इंसिडेंट हुआ, तो टीएमसी और भाजपा को आप प्रतिबद्ध कर सकते थे। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सीपीएम है, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार है, उनको भी आपने 50 से वंचित रखा। पर ये निर्वाचन आयोग पर इतने सवाल उठ रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जैसी एक इतने अस्तित्व वाले संगठन और इतने अस्तित्व वाली संस्था को इतने सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग की जो भूमिका रही है वो बहुत ही संदिग्ध हो गई है, और प्रधानमंत्री जी ने जो तुलना की है कश्मीर के पत्रकारों से, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसी का एक परिणाम है। जहां तक हिंसा की बात हो रही है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारी राजनीति में, हिंसा की कोई जगह नहीं। कोई भी दल हो, किसी विचारधारा का हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई कार्यकर्ता हो, जो भी कानून को तोड़ता है उसको तत्काल निंदा करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा कर राजनीति में अपनी जगह बना लेना हमारे अस्तित्व के खिलाफ। लेकिन एक तरफ जहाँ बीजेपी बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उसकी बहुत निंदा कर रही है, लेकिन रायबरेली से जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर जो आक्रमण हुआ, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ, एक बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या अमित शाह जी ने या भाजपा ने उस घटना की निंदा नहीं करी। तो हिंसा भी अगर होती है, अगर पॉलिटिकली सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको कंडेम करने के लिए अपने स्टेटमेंट आने शुरू करते हैं, और जो आपको सूट नहीं करता है उस इंसिडेंट को आप संज्ञान में लेने से मना कर देते हैं। ये जो निष्पक्षता का अभाव है ये भाजपा के 5 साल के अभिमान और अहंकार का एक चिंता जान का प्रतीक है। एक शब्द नहीं बोला गया। हमारी एक महिला विधायक के साथ जो जानलेवा हमला हुआ उस पर किसी भाजपा के नेता ने टिप्पणी करना भी सही नहीं समझा। ये सारा जो कुछ हुआ इसे देखकर हम सबको बहुत दुख है, और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो टिकट दिया उस पर बहुत सवाल उठे भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर जी को, पर उन्होंने कहा कि वो बेल पर चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन लगातार पहले हेमंत करकरे को उन्होंने जो कहा कि मेरे श्राप के कारण हमारे एक शहीद को, एक पुलिसकर्मी को अपमानित करने का काम किया, और अब सारी हदें पार करकर जो भोसले की प्रशंसा कर सकते हैं, और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा अपने आपको बोलती है, इतना भी उनमें कलेजा नहीं था। और प्रियंका जी ने ठीक कहा, 56 की छाती है लेकिन दिल नहीं, दिल होता तो अपनों को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत होनी चाहिए। महात्मा गांधी की फोटो हर सरकार के दफ्तर में होती है, राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ होती है। जिस राष्ट्रपिता को मारने वालों की बड़ाई कर रहे हो, उन बड़ाई करने वालों को आप तुत्कार नहीं सकते, निष्कासित नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो झूठा राष्ट्रवाद है ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत चीजें स्पष्ट हुई हैं। ये चुनाव लंबा चला है, लेकिन धीरे धीरे जो फ्रस्ट्रेशन और जो
असलियत है जो बेनकाब होने के बाद जाहिर हुई है उससे लोग समझ गए हैं कि किन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है और किन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। बड़ा देश में को परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल दुनिया को आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं कई बार बात को बोल चुका हूँ कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी का खाता शून्य पर है और जहां उन्होंने पिछली बार बहुत अधिक बढ़त हासिल करी थी वहां पर भारी नुकसान बीजेपी को होगा और अन्य राज्यों में अपनी जगह बना पाए, क्योंकि बंगाल में पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी हालत से पोलराइजेशन हो। और आपको मैं आग्रह करूंगा कृपया करके कैलाश विजयवर्गीय जी के फेसबुक ट्विटर हैंडल को आप देख लीजिए, उस प्रकार के वीडियोज उन्होंने डाले जो रोड शो के नाम पर वो जो एक कारमा निकला था वो राजनीतिक था या ट्विटर की राजनीति की परिकाष्ठा थी, क्योंकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ मान मर्यादाओं का सम्मान करता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा आप देखिए किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार से उन्होंने वहां किन लोगों को बुलाया, कौन वो लोग, ये सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये सारा निर्वाचन आयोग की नजर से बच कैसे गया। ये सारे सवाल उठे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन मुझे विश्वास सबसे ज्यादा है देश के प्रजातंत्र में और हमारे मतदाताओं के ऊपर, और जो भी निर्णय पब्लिक करेगी सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन मैं मानता हूँ 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनना तय है और ये कांग्रेस पार्टी पहले स्पष्ट कर चुकी है, राहुल जी ने कई मरतबा कहा है और कल दोबारा हम लोगों ने कहा है कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसके बाद नॉन बीजेपी नॉन एनडीए गवर्नमेंट कैसे बनानी है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय रहेगी और जो इस देश की हमसे उम्मीदें हैं उसी प्रकार अपना हम स्टैंड लेंगे। कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुलाई थी, जो नॉन एनडीए नॉन यूपीए के दल हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और पद और सत्ता को लेकर किसी भी दल के मन में लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गणतंत्र को हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए गैर बीजेपी की सरकार का निर्माण करना सभी दलों की प्राथमिकता है। उसमें जो भूमिका कांग्रेस को निभानी है वह पूरी तत्परता से और पूरी ईमानदारी से निभानी है।